तारीख गवाह है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड पर तारीख गवाह है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आज की तारीख यानी कि 13 मार्च को इतिहास में क्या हुआ था। भारत एक ऐसा देश जो अपने आप में न जाने कितने इतिहास समेटे हुए है। उन्हीं इतिहास के पन्नों में से एक नाम भारत के वीर सपूत उधम सिंह का भी है। शायद ही ऐसा कोई होगा जो इस नाम को नहीं जानता हो। आज ही के दिन वीर सपूत उधम सिंह ने एक बहादुरी की मिसाल पूरे देश के सामने कायम की थी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो हुआ वो भारत का ऐसा भयानक इतिहास बन गया जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी और इस सभा को रोकने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी और इस हत्याकांड में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए और उससे भी ज़्यादा लोग घायल हो गए। कई महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने तो जान बचाने के लिए वहां बने गहरे कुएं में छलांग लगा दी थी और इस घटना ने आज़ादी की आंख को हवा दे दी। इस घटना ने उधम सिंह के मन में ऐसा गुस्सा भर दिया कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई के बीच में ही आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े और उनका मकसद बन गया उस ब्रिटिश जनरल डायर को मारना जिसकी वजह से भारत में ये भयानक हत्याकांड हुआ। उधम सिंह 1934 में लंदन जाकर रहने लगे और इंतज़ार करने लगे सही मौके का और ये मौका उन्हें मिला आज ही के दिन 13 मार्च 1940 को लंदन के कॉक्सटन हॉल में, जहां आयोजित बैठक में शामिल होना था गवर्नर माइकल ओ डायर को। ये खबर सुनकर उधम सिंह भी अपना मकसद पूरा करने बैठक में पहुंच गए और जैसे ही डायर भाषण देने के बाद अपनी कुर्सी की तरफ गया, ठीक उसी वक्त उधम सिंह ने रिवॉल्वर निकाल कर उस पर गोलियों की बारिश कर दी जिससे डायर की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उधम सिंह को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई और अमर उधम सिंह भारत के लिए वीरता की मिसाल बन गए जिन्हें आज भी उनके बलिदान के लिए याद किया जाता है। देश के वीर सपूत उधम सिंह की यादों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी हमारे प्रोग्राम तारीख गवाह है में। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।